अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, और ये अनबॉक्सिंग है कैल्विन क्लाइन यूफोरिया इंटेंस फॉर मेन परफ्यूम की। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो एक परफ्यूम है, उसको नीचे कर लेता हूँ। सो परफ्यूम है बाय कैल्विन क्लाइन, हाउस ऑफ कैल्विन क्लाइन। कैल्विन क्लाइन मशहूर है अपने कंपेरेटिवली सस्ते और अच्छे परफ्यूम्स के लिए। 2005 के बाद जो उन्होंने कुछ परफ्यूम्स बनाए थे उनमें कोई मेजॉरिटी अपनी एक वैल्यू नहीं बना सकी जो एक मशहूर वैल्यू होती है। यूफोरिया वाज़ अ एक्सेप्शन इन दिस केस। यूफोरिया जो निकला था 2010 में, आठ में आई एम नॉट श्योर, तो वो काफ़ी मशहूर हुआ था, मगर वो लोग कहते हैं कि इसका बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, उसकी लॉन्गजिविटी बहुत कम है। तो उसके लिए उन्होंने ये नया निकाला है 2014 में यूफोरिया इंटेंस मैन। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले तो रैपर उतार दें। जो ये मेरा है बंदा वो बाहर से मंगाता है, मगर जो यहाँ शिप करता है वो सारे जो यहाँ की शिपिंग है वो TCSI है, वो है इनका डब्बे का बेड़ा कर करके भेजते हैं। ऊपर पर बबल रैप भी लगा के भेजता है वो बंदा, मगर फिर भी हमारे TCS वालों का बिल्कुल ही बेड़ा कर रखी है। तो वैसे बॉक्स एक ब्राउन कलर का बॉक्स है, बीच में एक वाइट लाइन आती है। यूफोरिया इंटेंस मैन कैल्विन क्लाइन 3.5 फ्लूइड आउंस या फ्लोरीन आउंस 100 ml की बोतल है। पीछे से उन्होंने कॉन्टेंट्स लिखे हुए, मैं आपको दिखा दूँ। इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल, डीनेचर्ड एक्वा वाटर, ब्रॉन्ज, यूजीन, एंड फिर वही लिखा हुआ है कि इट्स कैल्विन क्लाइन कॉस्मेटिक्स पेरी एंड व्हाट यू कॉल दोस एंड पेरिस एंड न्यूयॉर्क। दिस वन वाज मेड इन USA बट दे आर स्टिल फ्रेंच ओवर देयर। नीचे इसका टैग वगैरह लिखा हुआ है, बाकी ऊपर कुछ नहीं है, साइडों पर प्लेन है बिल्कुल। एज फॉर अनबॉक्सिंग, ऊपर से आप खोलेंगे तो पहले फ्लैप है, ये इसकी बोतल है, और वन ऑफ द खूबसूरत बोटल्स इन विच परफ्यूम्स आर अवेलेबल नाउ डेज। बहुत अच्छी खूबसूरत है, ऊपर से ब्रॉन्ज ढकना है, साइड पे मेटालिक ब्रॉन्ज गोल्डन प्लेट लगी हुई है। नीचे इसका लिखा हुआ है इन्होंने कि मेड इन USA न्यूयॉर्क 34 ounces वगैरह एवरीथिंग। कैप में थोड़ा वजन है, बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, मगर वजन है, अंदर से ब्राउन है और अंदर से बिल्कुल प्लेन है। क्लिप ऑन है, कोई मैग्नेटिक वगैरह नहीं है, क्लिप ऑन वो है। एटमाइजर इसका ब्रॉन्ज कलर का है, एंड ये साइड पर जो है जो प्लेट्स हैं ये पूरी चिपकी हुई तो हैं मगर फंस सकती हैं अगर आप उसको ट्रैवल करेंगे देखें तो। मगर ऑल एंड ऑल अ वेरी खूबसूरत बोतल, पीछे से क्लियर है, आगे से अंदर ब्राउनिश बोतल है पूरी। एंड एज फॉर द खुशबू भी लगा कर देखते, मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, नेवर यूज्ड इंटेंस और इंटेंस यूफोरिया इंटेंस बिफोर। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग और स्वीट स्मेल है। वुडी भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा वुडी भी है, जैसे वुड जो होता है, ओरिजिनल जो वुड परफ्यूम है वो होता है, या फिर डनहेली टाइप जो सर मस्क। और उसके बाद ना थोड़ी खुशबू स्ट्रॉबेरी की, थोड़ी खुशबू डार्क चॉकलेट की आती है। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो आप फॉर्मल इवेंट्स में, शादी वगैरह के लिए, या किसी, या अगर आपने शाम के कोई मीटिंग्स हैं आपकी इसमें फॉर्मल होके जा रहे हैं उसमें पहनने के लिए है, और नॉट सच अ बैड परफ्यूम, ठीक है, बहुत अच्छा है। और प्राइस रेंज उसकी है, ये मिलता है तकरीबन 5.5 to 6.5 के बीच में है इसकी कीमत, तो इट्स नॉट बैड फॉर दैट प्राइस रेंज एंड अ गुड परफ्यूम। लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन तो अच्छी है, शुरू में आती है तो खुशबू तो आ रही है इसकी,
मगर लॉन्गजिविटी सी कितनी है वो मैं आपको फिर बाद में ही बताऊँगा, कॉमेंट्स में लिख दूँगा। तो ये अनबॉक्सिंग थी कैल्विन क्लाइन यूफोरिया इंटेंस फॉर मैन की। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।